हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सो माय नेम इज हर्ष विष्णु राठौर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लाइट का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हम ऐसे ही समझ सकते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन मतलब जितना लाइट रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, जितना लाइट इंसिडेंट कर रहा है, उतना ही पूरा रिफ्लेक्ट होना, मतलब उसका टोटल रिफ्लेक्शन होना। तो टोटल रिफ्लेक्शन से मिरर की याद आएगी आपको, पर मिरर रियल में टोटल रिफ्लेक्शन नहीं करता। जो मिरर होता है, तो जब भी कोई सपोज ये मिरर है, तो इस पे कोई भी लाइट इंसिडेंस करती है, तो ये 100% लाइट होती है। ओके, तो ये जो मिरर है, तो ये 5% टू 10% तक लाइट ऑब्जर्व कर लेता है और 90 या 95% रिफ्लेक्ट करता है। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जितनी लाइट 100% लाइट आई है, तो 100% लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिरर्स के अंदर नहीं होता, ये मीडियम्स के अंदर होता है, डेंसर और रेयरर मीडियम के अंदर। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है वो समझेंगे। ये दो मीडियम्स है, एक तो है रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। ये रेयरर मीडियम है, रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ये दो मीडियम्स हैं। तो हमने देखा था कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तब वो नॉर्मल के दूर जाने की कोशिश करती है। सपोज हमने कोई लाइट ऐसी लगाई, ऐसी यहां पर इंसिडेंस हुई, तो यहां पर एक नॉर्मल क्रिएट होगा जो परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन की परपेंडिकुलर हुआ। तो इसका काम क्या है कि ये नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करे। ओके, तो ये लाइट को जाना था ऐसे ऐसे स्ट्रेट जाना था, पर वो लाइट कैसे जाएगी ऐसे, ये थोड़ा रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्ट हो जाता है, ये रे रिफ्रैक्ट हो जाती है किसके कारण, नॉर्मल के कारण, ये इसका नेचर ही है। एक दूसरा मीडियम, सपोज हमने एक लाइट डाली ऐसे, तो यहां पर नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे यहां पर एक नॉर्मल बन जाए, तो फिर ये रे, इसमें कुछ कंडीशंस होती है। ये जो एंगल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एंगल, मतलब ये एंगल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एंगल, मतलब ये एंगल जितना क्या बोल सकते हैं हमको, जितना बड़ा होगा ये एंगल, तो ये एंगल उससे भी ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करेगा। तो जब हम इस ये जो रे है इसका एंगल ये बड़ा करते हैं, नॉर्मल से ये रे बहुत दूर दूर से जाती है, तब ये भी रिफ्रैक्ट ज्यादा होने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसे भी जा सकता है, सपोज हमने एक रे डाली जो कि है कुछ ऐसे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल बन जाएगा। तो ऐसे करते 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 क्या, ऐसे करते करते हम एक स्टेज पर पहुंच जाएंगे, ये हमारा। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा टाइम आएगा कि जब कोई लाइट रे, इसका जो ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म हो, तो इसका एंगल बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होने की वजह से ये ऐसे जाने की कोशिश करेगी ऐसे, बट ऐसा तो इसको जाना है, पर इसका एक नेचर है, वो क्या है कि ये नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो फिर ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो फिर ऐसा हो सकता है इसको ये ऐसे चली जाएगी। पर अगर हमने लाइट ऐसी एक्सटेंड की इसको, तो यहां पर नॉर्मल फॉर्म हुआ और फिर ये कभी स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसी, ये जो सरफेस होगा उसकी स्ट्रेट निकल जाएगी, जो कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री, जो कि होगी नॉर्मल के परपेंडिकुलर, कितनी, 90 डिग्री। और इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल कहा जाता है इसको।
इसे नहीं कह रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई एक ऐसी लाइट, सुनिए, लाइट अभी हमने क्या देखा, लाइट आई और 90 डिग्री पे बेंड हो गई, 90 डिग्री पे बेंड हो गई और उस प्लेन से गई। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता क्या, ये रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम, अगर हमने लाइट ऐसी फॉल की तो ये इतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि ये नॉर्मल से ऐसे ही रिफ्लेक्ट, पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं, यहां पर नॉर्मल रहता है और इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन होगा, यहां से 100% जो लाइट है वो यहां पर भी 100% ही रहेगी, मतलब ये सब्सटेंस एक भी परसेंट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पूरी की पूरी 100% लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर है? और ये लाइट, ये रियल में कहां पर काम आता है, यूजेस, आपने देखा होगा कि साइकिल्स के पीछे एक ऐसा स्टिकर्स लगा होता है जिसके अंदर रेड येलो कुछ डॉट्स होते हैं। तो जब भी कोई उस पर पीछे से कोई गाड़ी आती है तो उस पर रिफ्लेक्ट होती है, उसकी लाइट अगर रिफ्लेक्ट हुई तो बहुत चमकते हुए दिखती है, वो ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल। डायमंड, रूबी, ये जो प्रेशियस जेम्स, तो इनके अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा चमकते हैं, इनके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, क्लियर है? ठीक है, कोई दूसरा कॉपी, ठीक है। सो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेक्चर नंबर 10 में देखेंगे हम प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, उसके रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।